मराठी मूवी अंतिम डाव का ऑडिशन 7 जनवरी को विदर्भ साहित्य सम्मेलन सभागृह में होने जा रहा है, जिसकी जानकारी पत्र परिषद में मूवी से जुड़े संबंधितों ने दी। पत्रकार क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में फिल्म निर्माता शकील जिंदरान ने पत्रकारों को बताया कि पर प्रांतों से आने वाले विद्यार्थियों की दशा और दुर्दशा पर आधारित एक प्रेरणादायी मराठी फिल्म अंतिम डाव का निर्माण शीघ्र ही किया जा रहा है, जिसका ऑडिशन विदर्भ साहित्य सम्मेलन सभागृह सीतापैठी में आगामी 7 जनवरी 2020 को किया जाएगा। फिल्म का दिग्दर्शन मशहूर निर्माता राजू पासरेकर के निर्देशन में हो रहा है। संगीत आदित्य जैन का है, लेखक दीप चहांती, नृत्य निर्देशक पप्पू खन्ना, सहायक दिग्दर्शक युवराज पाटिल है। पढ़ने के बाद में वो किस रास्ते से चलते हैं, अक्सर अपने जो स्टूडेंट्स के माता पिता है उस पर ध्यान नहीं देते। कोई समझते कि हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान तवज्जो न होने के कारण वो किस रास्ते से कैसे निकल जाते हैं इसका हमें गुमान भी नहीं होता। तो उसके एक मकसद को लेकर हमने इस फिल्म को तैयार किया है और स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और करीब करीब हमारा जनवरी लास्ट वीक से शूटिंग भी शुरू होगा। और इस माध्यम से हमने जैसा ऑडिशन जैसा नागपुर में रखा है, नागपुर के अलावा जैसे 7 तारीख को नागपुर में है, 11 तारीख को हमने जो रखा है नासिक में रखा है और 18 तारीख को लास्ट में हमारा पूर्व देशपांडे सभागृह मुंबई में फाइनल ऑडिशन रखा है, जिसमें से एक कलाकार हमने नागपुर के भी लिए हैं, अकील अहमद जो हमारे पत्रकारी से जुड़े हुए हैं उनको भी हमने इस कला के अंदर लिया है और चाहते हैं हम कि इस कला इस फिल्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने विदर्भ के लोग हमको मिले और कला तो बहुत लोगों के पास में होती है। 2003 से न्यूज चैनल आप तक के मुख्य संपादक शकील चिंद्रान या यवतमाल के मशहूर बिल्डर्स में गिने जाते हैं। 11 जनवरी को नासिक में तथा 18 जनवरी को प्रभा देवी मुंबई स्थित मराठा चित्रपट महामंडल के पुल देशपांडे सभागृह में फाइनल ऑडिशन होगा। जनवरी के अंतिम सप्ताह में शूटिंग प्रारंभ कर 3 माह में फिल्म प्रदर्शित कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ नितिन शेगावकर की रिपोर्ट।